अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, दिस अनिल बेला। ज़ैगम क्यानी को टीवी लॉन्च करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। वेलकम बैक। इस शो के दूसरे मेहमान हैं सलमान सजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको आज के शो में? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। सियासत में इस तरह का शो इंट्रोड्यूस हो रहा है और हमारे ज़ैगम भाई इनसे काफ़ी पुरानी जान पहचान है हमारी। सही। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि न्यू टैलेंट्स जो सियासत के सिटी में जो नई चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिहाज से या एजुकेशन के लिहाज से जैसे कह रहे थे। So it's really nice thing. Thank you so much for coming, Salman. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले कब लगा कि आपकी आवाज़ में एक जादू है? जादू तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पहली दफ़ा मुझे जो याद है स्कूल्स में नेशनल एंथम्स वगैरह जो होते हैं वो गाया करते थे। उसके बाद जब यहाँ पे 2012 में मैं मूव हुआ कैनेडा में, तो दानिश सर थे, उन्होंने रेफर किया। यहाँ पे शो होता था पंजाबी मेला, तो वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि करना चाहिए, अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। आपकी जो पहली परफॉर्मेंस है वो कनाडा में थी या पाकिस्तान में भी इससे पहले आपने कोई परफॉर्म किया है? पाकिस्तान में परफॉर्मेंस मैंने की है पहले, लेकिन वो कॉलेज लेवल पे उस चीज़ में किया, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने पाकिस्तान में मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं था, बस शो किया कर रहा था। बट यहाँ पे आने के बाद व्हेन आई सॉ बिगर ऑडियंस देन या मैंने सोचा कि मुझे इससे प्रोफेशनल तौर पे लाना चाहिए। सही। इस सारे सफर में सलमान मुझे बताइए कि इस में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उनको कैसे उनसे डील किया? सबसे बड़ा चैलेंजेस तो मतलब घर वालों को मनाना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो मुश्किल था काफ़ी, क्योंकि घर वाले एज बीइंग पाकिस्तानी सबको यही लगता है कि नो इस फील्ड में कुछ है नहीं, कुछ यू नो पीपल वेस्ट देयर लाइफ। लेकिन आई वॉज लकी दैट वे कि मैं अपनी एजुकेशन भी कर रहा था, साथ में ये मेरा शौक भी था, तो मैंने अपनी सारी हर चीज़ छोड़ के नहीं किया। आई वॉज लाइक कीपिंग माई एजुकेशन एंड सिंगिंग टुगेदर एज वेल। आपका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, लाइक व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड, मेन मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली और अभी तक है जो इट कीप्स यू पुशिंग कि यस यू कैन डू इट? मोटिवेशन आई वुड से कि मतलब परफॉर्म तो मैं पाकिस्तान से कर रहा था एज आई सेड स्कूल कॉलेज वगैरह में, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इज परफॉर्मेंस इन व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन बिगर ऑडियंस लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता कि लोग पसंद कर रहे हैं, पीपल वांट टू हियर मी, सो दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी। ये तो आपका शौक हो गया, तो आपकी लाइक थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपने पाकिस्तान से क्या किया और लाइक वो आपको शौक था या पेरेंट्स की मर्ज़ी पे किया? एजुकेशन मेरी थोड़ी सी मैं बाउंस करता रहा हूँ, पहले पाकिस्तान से जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, ज़बरदस्त, वो मैंने एक साल की, उसमें थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा था, फिर देन आई बाउंस टू अकाउंटिंग, मैं समझा के यू नो थोड़ी सी फन हो गई, बट दैट वाज रियली बोरिंग, देन आई मूव्ड हियर, तो यहाँ पे मैंने आके फिर सैलून मैनेजमेंट का जो है उसकी डिग्री ली, उसका कोर्स किया, एंड आई एम रनिंग माय बिजनेस नाउ। वो भी मैं इसलिए करना चाह रहा था कि क्योंकि मैं ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें मैं अपनी सिंगिंग भी साथ में रख सकूँ। सही। So it's easier for me. End of the day, it's all about singing for me. तो आपने कनाडा के अब तक कितने शहरों में परफॉर्म किया अदर देन सास्कैटून? कोई ऐसा मौका मिला आपको कि बाहर जाके? I performed in Toronto, in Edmonton, mostly Saskatoon में ज़्यादा perform किया, because I'm locally from Saskatoon and working on releasing my new songs. तो इंशाल्लाह जब वो release करूँगा देना looking forward to perform in Toronto more and Calgary वगैरह में। सही। लेकिन अभी तक मैंने ज़्यादातर जो है टोरंटो में, एडमिंटन में और सास्कैटून में ज़्यादा आपने। सही। सही। आज सलमान आप हमारे सुनने वालों के लिए हवा के दोष पर शालीमार टीवी के स्टूडियो से क्या आप पेश करने जा रहे हैं अपनी आवाज़ में? या मैं बिल्कुल ज़रूर एक पंजाबी सॉन्ग है यार रहमान की कॉम्पोजिशन, मैंने वो पहले कभी कहीं पे परफॉर्म किया नहीं। मैं वही कह रहा था कि वो ऐसी चीज़ जो आपने पहले पेश ना की हो। हाँ। तो इस प्लेटफॉर्म से हमारे लिए भी एक एजाज की बात है, तो प्लीज पेश करें। बिल्कुल, मैं वो आपको जरूर गा के सुनाऊंगा। प्लीज
जी सलमान सजाद, बहुत शुक्रिया। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आप शो में आएँ शालीमार टीवी पे, तो आप वो चीज़ पेश करें जो आपने पहले कहीं परफॉर्म नहीं की। तो वी आर लकी इनफ कि ही हैज समथिंग जो उन्होंने पहले परफॉर्म नहीं की। तो सलमान सजाद आज अपनी जो सुर हैं हवा के दोष पर इस शालीमार टीवी के स्टूडियो से आप तक पहुँचाते हैं, आइए सुनते हैं। हो मन चंद्रे नू रास नावे नावे तरवास, जिगर दा सौदा क्यों कर बैठा मुकदी जान दियास, जे लुट जादा ते लुट जादा दिल होके खा के छुप जादा, बेपरवादा की कहना नावे तरवा, जिगर दा सौदा क्यों कर बैठा मुकदी जादिया। बहुत अच्छे सलमान सजाद की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत कलाम सुना, और आप यकीन जाने कि अरफा मैं समझता हूँ कि जिस तरह कुछ चीज़ जो है ना आपकी रूह को टच कर लेती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कोई एल्बम अपना आज तक किसी भी काम किया हो? जो एल्बम तो नहीं, मैं सॉन्ग्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन मैं वो एज ए सोलो रिलीज़ कर रहा हूँ। मैंने लास्ट सॉन्ग अपना रूप तेरा लास्ट ईयर रिलीज़ किया था, तो इंशाल्लाह आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जब आप अपने मन की बात करते हैं, आपके दिल की बात, तो उसमें एक सूफी है लाइक मिस्टिसिज्म और एक है जो पॉप है, आपका मन किधर जाता है ज़्यादा, अगर आप यू हैव टू पिक वन आउट ऑफ दिस आजकल जिस तरह चल? म्यूज़िक असल में जो सूफी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बंदा गाता भी दिल से है, और जब बंदा वो सुनता भी है, और जब मैं खुद एज अ लिसनर जब सुनता हूँ, तो मैं जब वो खुद सुनता हूँ सूफी म्यूज़िक या जो जिसे रियल म्यूज़िक बोलते हैं, तो उससे सुकून भी मिलता है। आजकल म्यूज़िक तो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, देयर लाइक काइंड ऑफ म्यूज़िक टू, वो एक म्यूज़िक की डिफरेंट किस्म है, लेकिन सबकी बेस ये सूफी है। और तो आपके मन की बात भी सूफी है? मेरे मन की बात सूफी भी है, हर चीज़ है मतलब, लेकिन मैं पसंद करता हूँ ज़्यादा सूफी परफॉर्म करना भी, और मुझे खुद बेसिकली पसंद है सूफी। शुक्रिया। थैंक। तो फारे वक्त में सिर्फ गुनगुनाने के अलावा कुछ और भी करते हैं या बस? नहीं, गुनगुनाने के अलावा बाकी जो है कामकाज भी करते हैं। सही सही। ट्राइंग यू नो, अभी अपना बिजनेस मैंने ओपन किया अपना, सही, सलून का एक, तो अभी उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, और साथ साथ अपने म्यूजिक भी कर रहा हूँ। ठीक ठीक। तो दोनों काम चल रहे हैं? दोनों काम चल रहे हैं। मैं कहूँ बिजनेस और लाइक म्यूजिक से आप अगर साइट पर हों तो फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। फिर हम फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम गुजरता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। ठीक ठीक। जाते जाते आप हमें बतला जाइए कि आपको हमारी कम्युनिटी से क्या सपोर्ट चाहिए अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए? कम्युनिटी से सपोर्ट मुझे तो यही चाहिए कि जस्ट कीप लिसनिंग माय सॉन्ग्स, एंड जैसे वो प्यार दे रहे हैं पहले और जैसे वो पसंद कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट साथ रखें। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग अप विद मोर बेटर सॉन्ग्स, आई वुडंट से बेटर बट लाइक यू नो अ लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स। चलें, हमें आपके गानों का इंतजार रहेगा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और म्यूजिक में और बिजनेस में दोनों में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप तक ये प्रोग्राम पहुँच रहा है, जितने नए आर्टिस्ट हैं इनके लिए ऑक्सीजन है, एनर्जी मिलेगी आपकी फीडबैक से, आपके हौसला अफजाई से। तो जहाँ भी मिलें, जहाँ पे सोशल मीडिया पे इनको सपोर्ट करना पड़ता है, अपना फीडबैक दें, और यही इनकी एनर्जी है और यही इनको चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी।